कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, पार्ट टू है ये, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज होता है वो क्या क्या होता है? एल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए और विनेगर बनाने के लिए, जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो देख सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने ज्यादा यूजेस हैं। ईस्ट जो है बहुत ज्यादा कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा एल्कोहल और वाइन बनाने के लिए, ठीक है। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, वीट, राइस, क्रश फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। तो सबसे ज्यादा एल्कोहल और वाइन जो होती है हम बनाते हैं ईस्ट की मदद से, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ईस्ट का प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा ज्यादा। तो ईस्ट का प्रोडक्शन क्या करते हैं, हम करते हैं जैसे कि ऑन नेचुरल शुगर। तो वो शुगर मतलब जो ईस्ट है, एक तरीके से ईस्ट क्या है, ईस्ट का फूड क्या है, शुगर है। तो शुगर जहां पर होगी वहां पर ईस्ट पहुंच जाएगा, है ना। तो वहां पर उसकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी शुगर को। तो जहां पर भी शुगर पाई जाती है तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, ईस्ट की ग्रोथ उसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो कैसे हम कैसे करेंगे कि ईस्ट को हम अपने पास बुलाएं, मतलब हम जो चीज बना रहे हैं ईस्ट की जरूरत है हमें, तो ईस्ट वहां पर आए और उस शुगर को कन्वर्ट कर दे किसमें, एल्कोहल में। तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, उसको हम इस एक्टिविटी से जानते हैं। टेक अ 500 ml बीकर, फिल अप टू 3/4 विद वाटर। आपको क्या करना है, 500 ml का बीकर लेना, उसको 3/4 भर देना है वाटर से, ठीक है। तो अभी हमने एक बीकर लिया, उसमें वाटर डाल दिया। 2 से 3 चम्मच आपको उसमें क्या करना है, शुगर डाल देना है। 2 से 3 चम्मच उसमें हमने क्या कर दिया, शुगर डाल दिया। एड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन, उसके अंदर आपको अब ईस्ट पाउडर भी डालना है, ठीक है। तो हमने वहां पर क्या कर दिया, हाफ स्पून ईस्ट पाउडर भी डाल दिया। उसके बाद आपको उसको क्या करना है, गर्म जगह पे हल्के से वार्म प्लेस पे 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है, उसको कवर करके, ठीक है। तो हमने क्या क्या करा था, बी कर लिया था, पानी डाला था, 2-3 चम्मच शुगर डाली और ईस्ट पाउडर डाला। तो 2-3 घंटे उसको छोड़ने के बाद जब आप उसको स्मेल करोगे ना उस सोल्यूशन को, तब आपको एक अजीब सी स्मेल आएगी, लेकिन वो स्मेल किस चीज की, ये जानना बहुत जरूरी है। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, स्मेल करा तो आपको पता है किस चीज की कैसी स्मेल है, क्या आपको मतलब स्मेल आई? हाँ आई। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। ये जो स्मेल आपको आ रही है ना, ये एल्कोहल की स्मेल है जो कि ईस्ट ने कन्वर्ट करा है शुगर को एल्कोहल में, ठीक है। ईस्ट क्या करता है, शुगर को कन्वर्ट करता है एल्कोहल में, क्योंकि हमने ध्यानों को शुगर हमने क्या करा था, सोल्यूशन में शुगर डाला था और ईस्ट पाउडर डाला था, तो ईस्ट ने उस शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी प्रोसेस को कुछ नाम तो देना पड़ेगा, इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, शुगर को कन्वर्ट करना एल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, इसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। आप इसको एग्जाम्पल कैसे याद कर सकते हो, एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल, आप कुछ करना ही नहीं है। ये इक्वेशन ध्यान रखना, शुगर प्लस ईस्ट, शुगर और ईस्ट मिलके क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं प्लस एल्कोहल। यहां पर भी हुआ है एल्कोहल, ये चीज ध्यान रखोगे। देखो ईस्ट हमने क्या करते हैं, फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है एल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, ऐसे बोल सकते हो, या फिर CO2 भी बनती है तो CO2 भी बोल सकते हो कि फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच शुगर इज कन्वर्टेड बाय द ईस्ट इनटू CO2 एंड एल्कोहल, या फिर इनके जो प्रोडक्ट बनता है ये CO2 और एल्कोहल बनता है, जैसे लिखना चाहो अपने मन में लिख सकते हो। लुईस पाश्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। लुईस पाश्चर ने डिस्कवर करी थी फर्मेंटेशन प्रोसेस 1857, पता नहीं कितने साल पहले। नेक्स्ट पढ़ते हैं, और मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल क्या क्या यूजेस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, मतलब टॉपिक से पता चल रहा है कि यहाँ पर मेडिसिन की बात होगी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मदद से बनती है वो मेडिसिन। सो व्हेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। तो जब भी आप बीमार पड़ते हो, आप कभी ना कभी डॉक्टर के पास तो गए होगे, बीमार तो पड़े ही होगे अभी तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो आप क्या करते हो, आपको वो एंटीबायोटिक टैबलेट दे देता है कि लो बेटा खा लो, कभी कभार कैप्सूल दे देते हैं, कभी कभार खतरनाक इंजेक्शन भी आपके लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि पेंसिल इंजेक्शन का नाम है, और क्या है, इंजेक्शन का नाम ही तो है। तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको टैबलेट दे दी, कैप्सूल दे दिया, या फिर इंजेक्शन लगा दिया आपको कि आप सही हो जाओ,
लेकिन उस इंजेक्शन के अंदर क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए, तो वही हम जानने वाले हैं। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन आप खा रहे हो ना, या फिर इंजेक्शन या जो भी आप खा रहे हो मेडिसिन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनी होती है। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं है ना, उन्हीं से मिल के बनी होती है माइक्रो वो टैबलेट। ठीक है, दीज मेडिसिन किल्स, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन है ये किल कर देते हैं या तो, और इनकी जो ग्रोथ होती है हार्मफुल और बैक्टीरिया की जो आपकी बॉडी के अंदर है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उनको क्या करते हैं, स्टॉप कर देती है। मतलब आप जो मेडिसिन खाते हो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलके बनी होती है, और वो आपके अंदर जो गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको बीमारी फैला रहे हैं तो उनको किल कर देती है और उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, समझे। तो इसलिए वो मेडिसिन खाना जरूरी है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ऐसी ही मेडिसिन को जो बैक्टीरिया को मारने के काम आती है या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के काम आती है, उन्हीं को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब रुकाव, रोकना किसी चीज को, है ना। तो एंटी का मतलब रोकना उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बीमारी फैलाने से। ठीक है, दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। आज के समय में एंटीबायोटिक्स जो है बहुत ज्यादा बनाई जाती हैं बैक्टीरिया और फंगाई की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एराइथोमाइसिन। ये सब क्या है, तीनों नाम है, आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है, तीनों याद रख लेना, और क्या है, विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया, जो कि फंगाई और बैक्टीरिया की मदद से बने होते हैं। अब ये पढ़ लेते हैं, 1929 में क्या हुआ था, 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इन फैक्ट इट ऑल्सो किल मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया फ्रॉम दिस मोल्ड, पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। अब देखो क्या हुआ, 1929 में बहुत साल पहले क्या हुआ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे, एक वर्क कर रहे थे कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे। अब ये बस नाम है, मतलब वो एक अपने एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे जिसमें वो क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया क्या है, एक तरीके से मान लो डिजीज जो बीमारी फैलाते हैं बैक्टीरिया उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सडनली उन्होंने क्या फाउंड करा कि लिटिल स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इज वन ऑफ हिज कल्चरल प्लेट। मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें जो जो भी यूज कर रहे थे उसमें जो ग्रीन मोल्ड है, मतलब जो भी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहां पर उन्होंने एक क्या ऑब्जर्व करा, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि कुछ यहाँ पर जो है ये प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ये जो मोल्ड्स हैं या फिर एक तरीके से मान लो कुछ कुछ बैक्टीरिया है या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना, मतलब उन जो ऑर्गेनिज्म है उनको बीमारी फैलाने से बचा रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ उनको क्या कर रहे हैं, इनफैक्ट इट ऑल्सो किल मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया, जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं उनको वो जो मोल्ड है या फिर वो जो अदर बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मार रहे हैं। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा अपने एक्सपेरिमेंट में। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेंसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। इसी से क्या हुआ, पेंसिलिन की यहाँ पर क्या हुई, खोज हुई। ठीक है, जो आपकी इंजेक्शन लगाया जाता है, तो वही चीज है यहाँ पर। तो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को क्या करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को मारते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, तो हमारे काम आ जाएगी, तो पेंसिलिन बना दी इसकी मदद से कि बीमारी सही हो जाए। बस द एंटी, बस यहाँ पर थोड़े बहुत वर्ड्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे ग्रीन मोल्ड जो थे उनकी एक कल्चर प्लेट में वो बैक्टीरिया को क्या कर रहे थे, जो अदर बैक्टीरिया उनको मार रहे थे, तो ऐसे आपको वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, लेकिन मीनिंग वो। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। एंटीबायोटिक्स जो होती है मैन्युफैक्चर करी जाती है बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, ऐसा नहीं कि सभी कोई भी उठा के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दवाई बना दी, ऐसा थोड़ी होता है। तो एंटीबायोटिक कैसे मैन्युफैक्चर होती है, कैसे प्रिपेयर होती है, कोई स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी मदद से ये बनाई जाती है, एंड आर यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिजीजेस। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे, कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ये दवाई बनाई जाती है
और ये बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिजीजेस को सुधारने के या सही करने के काम। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक्स। लाइफ स्टॉक का मतलब भेड़ बकरियां कुत्ते बिल्ली ये सब जो पाल लेते हैं ना, उनको लाइफ स्टॉक्स ही कहते हैं, ठीक है, जो जो इनको पालते हैं। तो एंटीबायोटिक्स भी क्या करी जाती है, मिक्स करी जाती है जो लाइव स्टॉक्स, ये जो जो भेड़ बकरियां हैं कुत्ते बिल्ली गाय भैंस इन सबको जो पालते हैं, इन सबके खाने में भी लोग क्या कर देते हैं, एंटीबायोटिक दवाइयां मिला देते हैं कि इनको भी कोई बीमारी ना हो। और पोल्ट्री फार्म्स जो होती है, पोल्ट्री फार्म को जानते हो जहाँ पर चिकन विकन रहते हैं, चिक्स विक्स, टू चेक माइक्रोबल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, ये चेक करने के लिए कि इनको कोई माइक्रोबल इन्फेक्शन ना हो। मतलब माइक्रोबल इन्फेक्शन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई ये कोई इन्फेक्टेड ना हो। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस। ये क्या होती है, हाँ, ये बहुत सारी प्लांट डिजीजेस को भी कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स काम में आती हैं। तो ये क्या होती है, इंसान को भी सही करती हैं एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ, एनिमल्स पे भी लग जाती हैं और प्लांट्स को भी बहुत सारी बैक्टीरिया से बचाती हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, ऐसे नहीं कि जब भी बीमार पड़े तो एंटीबायोटिक गोली रखी है घर पे खा ली, ऐसा नहीं है। दवाई सोच समझ के ही खानी चाहिए पहली बात तो, लेकिन जब भी आप कोई ऐसी दवाई खाओ तो हमेशा आपको ध्यान रखना कि एंटीबायोटिक की दवाई जब भी आप लो तो आप हमेशा एडवाइस करो कोई क्वालिफाइड डॉक्टर से, कोई अच्छे डॉक्टर से। ऑल्सो यू मस्ट कम्प्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, और आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है जो जो डॉक्टर ने कहा है, कि डॉक्टर ने कहा इतने दिन गोली खानी तो इतने दिन की गोली आपको खानी है, ठीक है। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स वेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव वेन यू माइट नीड इट इन द फ्यूचर। अगर आप फालतू में गोलियां खाते हो, मतलब किसी किसी की आदत होती है ना कि कुछ थोड़ा सा बीमार हो गोली खा ली, थोड़ा सा बीमार हो तो गोली खा ली, तो बोलते हैं कि अभी बीमार होना स्टार्ट हो रहे हैं तो पहले खा लेंगे तो सही हो जाएंगे जल्दी, ऐसा इंसानों को नहीं करना चाहिए। या फिर कोई कोई होता है कि ज्यादा डोज लेते हैं कि एक नहीं दो गोली खा गए एक साथ हाई ज्यादा एफिशियंट की, तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप हर चीज में गोली खाते हो या फिर बहुत ज्यादा टैबलेट्स खाते हो तो जब आपको ये एक ड्रग्स की तरह काम करेगा आपको, ठीक है, मतलब कि ये जो ड्रग होगा, मतलब ये ड्रग्स तो ये एक तरीके का, तो ये लेस इफेक्टिव हो जाएगा जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी आपकी बॉडी को। मतलब जब आप बेमतलब में वो गोलियां खा रहे हो, जब आपकी बॉडी सच में उस बीमार पड़ेगी और उनको उन गोलियों की जरूरत पड़ेगी तब वो लेस इफेक्टिव रहेंगी। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, गोलियां नहीं खानी चाहिए बेमतलब में, वरना वो फ्यूचर में जाके हमें नहीं सूट करेंगी, ना ही हमें बॉडी को ऑब्जॉर्व करेगी। ऑब्जॉर्व करने का मतलब ऐसे नहीं भूलेगी, नहीं, मतलब हमारी बॉडी जो है वो उन बीमारियों, वो जो दवाई है उन बीमारियों पे काम नहीं करेगी। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन दी बॉडी। और क्या कर सकते हैं, देखो ज्यादा अगर आप ज्यादा एंटीबायोटिक की गोली खा लोगे अननेसेसरी, आप बेमतलब में खाते रहोगे, तो ये जो आपके अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है ना जो आपको जिंदा रखने के काम आते हैं, है ना, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कामों के आते हैं, तो ये सब भी मरना स्टार्ट कर देंगे। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज बाय वायरसेस। लेकिन ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये ज्यादा काम नहीं करती है, मतलब काम नहीं आती हैं कोल्ड या फ्लू में, ठीक है। जब भी आपको कोल्ड हो या फ्लू हो तो ये क्या हो जाएगा, आपको ये दवाइयाँ एंटीबायोटिक की गोलियां नहीं दी जाएंगी। क्यों नहीं दी जाएंगी, क्योंकि ये सब जो होते हैं वायरसेस डिजीज होती हैं, और अभी हम एंटीबायोटिक्स किसको सॉल्व कर दिया, एंटीबायोटिक्स सॉल्व करती है प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करती है, जो कि जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, है ना। लेकिन ये जो कोल्ड और फ्लू है ये वायरसेस फैलाते हैं, वायरसेस को एंटीबायोटिक नहीं मारती हैं, एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को मारती हैं, बैक्टीरियल कॉजेज डिजीज को। तो वायरसेस को कौन मारता है, वायरसेस का आप देखते हैं वैक्सीन में देखते हैं। वैक्सीन क्या होती है, वाई आर चिल्ड्रन या इन्फेंट्स, इन्फेंट्स का मतलब क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, है ना, छोटे बच्चे, गिवन वैक्सीनेशन। तो आप छोटे रहे होगे तो आपको वैक्सीन देने के लिए भी आपके घर पे कोई ना कोई आता होगा, है ना, पोलियो ड्रॉप होती है या फिर बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो आपके छोटे में लगाई जाती हैं, आप छोटे होते हैं, आपको थोड़े बहुत याद भी होगा। तो ऐसे क्यों लगाई जाती हैं, व्हेन अ डिजीज कॉजिंग आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब एंटीबायोटिक और एंटीबॉडीज में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। जब भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं,
तो बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, समझे। जब भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आया तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज का मतलब क्या हुआ, एंटीबॉडीज जो होती है हमारी, जैसे कि मान लो कोई बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया को मारने के लिए अपने जो अंदर है वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, जो कि उनको मारने के काम आता है। ऐसे भी हर गोली से ही मरता है बैक्टीरिया, नहीं, हमारी बॉडी भी क्या करती है, इतनी एफिशिएंट है, तभी तो हमारी बॉडी क्या कहते हैं इंसानों को, इतना मतलब सभी की बॉडी वैसे एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है। लेकिन ये कितनी कमाल की चीज है कि हमारी हमें हम बीमार हुए और हमारी बॉडी हमें बचाने के लिए, मतलब अपनी बॉडी को बचाने के लिए उसने एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर दिया कि वो उस बीमारी को सही कर सके। खुद देख सकते हो कितनी अच्छी चीज है ये। टू फाइट द इन्वेडर्स, इन्वेडर्स मतलब होते हैं जो बाहरी से दुश्मन आते हैं वो, ठीक है। जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इन्वेडर्स आए थे, इन्वेडर्स मतलब जो बाहरी दुश्मन है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, ये बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, तो ये इन्वेडर्स हुए ना। तो इन ये बाहर से आने वाले जो इन्वेडर्स हैं, इन सबसे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज हमारी हमारी जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेम्बर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स अगेन। अब देखो क्या कर दिया, अगर ये हमारी बॉडी ये भी ध्यान रख रही है, मेमोरी भी है इसके अंदर, ये भी ध्यान रखती है कि ये जो बैक्टीरिया इस बार हमें इन्फेक्ट करके गया है, ये अगली बार आएगा तो उसको मैं इस तरीके से इसको मैं मार सकता हूँ, उस बीमारी को। मतलब ये एक सैंपल ये क्या करती है अपने पास रख लेती है हमारी बॉडी। जब मान लो कोई एक बीमारी किसी को हुई तो उसका सैंपल क्या कर लिया, उसके लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई, तो उसका सैंपल हमारी बॉडी ने रख लिया कि हाँ अगर ये बीमारी अब दोबारा इसको अगर कभी हुई तो मैं इसको इस तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ। ऐसे इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्दी बॉडी, ठीक है, अगर क्या इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर एंटर्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, अगर डेड और वीकेंड माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर आ गए, मतलब मान लो बिल्कुल एकदम कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आ गए, द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। अब देखो वैक्सीन, अब वैक्सीन का बिल्कुल एकदम आ गया काम। क्या काम है वैक्सीन का, मतलब होता ही क्या है यहाँ पर समझना। जैसे ही आपको कोरोना वायरस भी आया था, वैक्सीन लगी थी आपके, है ना, ऐसे बहुत सारे वायरस आए हैं, उन सबकी वैक्सीनेशन कराते हैं। तो हम एंटीबॉडीज क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि वायरसेस डिजीज है, ये वायरसेस हैं, वायरसेस के लिए हमें वैक्सीन लेनी पड़ती है। इतना समझ में आया, आ गया। वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में क्या होता है, जो हमारे डेड और वीकेंड माइक्रोब से लिखा है, मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ, ये ध्यान रखना, जो वैक्सीन में होते हैं ये होते हैं हमारे डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, मतलब जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं वही उस इंजेक्शन में होते हैं, मतलब करो जो वायरसेस हैं वो उसमें प्रेजेंट है, लेकिन वो बहुत इतने कमजोर फॉर्म में है कि हमारी बॉडी उनको क्या कर सकती है, उनसे फाइट कर सकती है, उनको हरा सकती है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अभी हमें जाना, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन आता है तो हमारी बॉडी उनका सैंपल ले लेती है, तो उसने हमारी वैक्सीन हमने लगवाई, हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन दी, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी और हमारी एंटीबॉडीज उसको हरा दिया, ठीक है, क्योंकि वो कमजोर थे और उनका एक सैंपल हमने हमारी बॉडी ने अपने पास रख लिया, ठीक है, कि अगली बार अगर ये बीमारी अगर हुई या होने से पहले हम इसको ऐसे हरा सकते हैं। वही चीज लिखी है, तो माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस इन द हेल्थी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडर्स, इन्वेडर्स को मार देगी जो डेड और वीकेंड है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस सूटेबल एंटीबॉडीज बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज के हिसाब से, जिनको मारने के लिए सूटेबल एंटीबॉडीज होगी वो हमारी बॉडी अपने आप प्रोड्यूस कर देगी। द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। ये डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स हैं वो हम उसको हमेशा के लिए अब उससे बच रहेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, सैंपल है क्या, कि हाँ कि ये दोबारा बीमारी आएगी तो हम उसको ऐसे हरा सकते। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क, ऐसे ही वैक्सीन काम करती है, जो अभी मैंने आपको बताया। सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इन सब बीमारियों से आप वैक्सीनेशन के थ्रू बच सकते हो। कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको गोलियां लेनी पड़ती हैं, कुछ कुछ बीमारियां होती हैं एक बार वैक्सीनेशन कराया उसके बाद आपको वो बीमारी दोबारा नहीं। एवर्ट जेनर एडवर्ड एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1798। अब स्मॉल पॉक्स जो था
चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स में बहुत ज्यादा फैल जाता था पहले, ठीक है, पहले जब ये, अभी तो कुछ नहीं होता है ना, अभी वैक्सीनेशन आ गया है, लेकिन जब ये नए नए आए थे तो लोगों के बहुत ज्यादा धब्बे बहुत ज्यादा हो जाते थे, है ना, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स में। तो 1798 में जो एडवर्ड जेनर है, इन्होंने डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन को, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वरना अब ये जो था, अभी तो वैक्सीनेशन करा लेते हैं हम तो स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स वो हमें कम होता है, लेकिन ये कम आता है, जिसको आप हिंदी में कहते हो माता निकल आती है ना, तो वो कम होता है। लेकिन अगर ये वैक्सीनेशन नहीं लोग लेते आप, तो आप क्या होता है, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में हो जाता है, बहुत ऐसे 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 चेहरे पे आपके धब्बे धब्बे हो जाते हैं, अगर आपके कभी घर पे हुआ किसी को तो आप बताओ। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। आपकी चाइल्डहुड में आपको याद होगा कभी ना कभी आपको पोलियो ड्रॉप या फिर आप ऐसे उंगली पे ऐसे लगाने के या कहते ना, आपको कोई ना कोई पिलाने आया होगा पोलियो ड्रॉप, ठीक है, छोटे जब आपके मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन, आपके आपके ज्यादा छोटे होते हैं तो यहाँ पर इंजेक्शन भी आपको दिए जाते हैं कि आपको कोई डिजीज जो है, बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां हैं वो आपको अगर कभी फ्यूचर में हो तो आपको उतनी ज्यादा अमाउंट में ना हो, है ना। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस, क्या आप ऐसे डिजीज के लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो? कर सकते हो, गूगल पे जाओ और सर्च करो और करो प्रिपेयर। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, पेरेंट्स से भी हेल्प कर सकते हो। इट इज असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेस, ये जरूरी है कि सभी बच्चों को हम बचा सकें ये डिजीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया से, है ना। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल, ये जरूरी है कि जो वैक्सीन है कि सभी बच्चों को बचाना है ना, कि उन सबको बीमारी ना हो। जो युवा है या फिर यंग जो जनरेशन आए, जो भी नई जनरेशन आए, तो वो क्या है, हेल्दी जनरेशन आए, है ना। अगर अनफिट जनरेशन आएगी तो आगे जो आएगी वो भी बेकार होते जाएंगे, तो इसलिए ये जरूरी है कि वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल हो हर एक हॉस्पिटल में। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी और न्यूज पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम, है ना। तो आगे ना पोलियो वाला, तो आपने टीवी पे या एडवर्टीजमेंट ने, न्यूज पेपर पे, रेडियो तो अब होते ही नहीं है, टीवी पे या न्यूज पेपर पे आपने देखा होगा या यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि पोलियो के जो एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं कि पोलियो से बचाओ अपने बच्चों को, वो बचाओ, तो उसके अलग गवर्नमेंट प्रोग्राम भी करवाती है। प्रोग्राम मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका काम है कि सभी बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाना है कि उनको ये बीमारी ना हो। सो पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, जो पोलियो ड्रॉप आपको पिलाते हैं, आपको छोटे में कभी पिलाई हो तो वो भी एक तरीके की क्या है, वैक्सीन है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लीड टू अ एरेडिश एरेडिकेशन, एरेडिकेशन का मतलब होता है बहुत बड़ा, फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाता है स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू, अच्छा, एरेडिकेशन का मतलब होता है हटना, मतलब वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया था स्मॉल पॉक्स के हटाने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा था, तो इसलिए जब वैक्सीन आई इसकी बनी तो ये बहुत ज्यादा तेजी से क्या होने लग गया, इरेडिकेट होने लग गया, बहुत ज्यादा कम होने लग गया। दीज डेज वैक्सीनेशन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आज के समय पे देखें बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, लार्ज स्केल पे क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन बनाई जा रही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से डाला, यहाँ से वैक्सीन निकली, यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला, यहाँ से वैक्सीन निकली, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेस, के ह्यूमंस और एनिमल्स और प्लांट्स भी, देखे इससे कंफ्यूज मत रहना, प्लांट्स भी, प्लांट्स को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जो इन्फेक्शन है उन सबसे बचाने के लिए ये चीज है। सो अभी के लिए इतना ही, आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।